हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस में पर एक बार फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एसिड्स के टाइप के बारे में। और आपको पता है कि जो एसिड्स होती है वह बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दो तरह की होती है। वन इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, अनदर इज़ नोन एज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, आपको पता है सब मिनरल एसिड होती है, और जो मिनरल एसिड है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड एसिटिक एसिड, CH3CWH। फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या है, ये भी एक वीक एसिड है। साइट्रिक एसिड इज ऑल्सो टाइप ऑफ वीक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इस कार्बोनिक एसिड को छोड़कर जितने भी हैं सभी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो यही एक कार्बोनिक एसिड ऐसी है जो कैसी एसिड होती है, यह आपकी मिनरल एसिड होती है, मिनरल एसिड। और यह एक ऐसी मिनरल एसिड है जो कैसी होती है, वीक एसिड्स होती है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो टार्ट्रिक एसिड का जो यूज़ होता है वह बेकिंग पाउडर में होता है, बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा बोले तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है या बेकिंग सोडा होता है, इसका यूज़ हम ओवर ईटिंग में करते हैं। अगर पेट में एसिडिटी बन जाती है तब हम इसका यूज़ करते हैं एज ए बेस की तरह, और हमारा पेट में क्या हो जाता है, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, कार्बोनिक एसिड इज़ यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनिक एसिड का यूज़ सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं, जबकि टार्ट्रिक एसिड का यूज़ बेकिंग पाउडर में करते हैं। एसिड्स यहाँ पे हमें पढ़ना है कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। कंसनट्रेटेड को सॉल्ट में आप CONC भी लिख सकते हैं, कंसनट्रेटेड, और डाइल्यूटेड को DIL.diluted एसिड बोलते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड वह होती है जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में या फिर बिल्कुल न के बराबर उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसी को आप बोलते हो कंसनट्रेटेड एसिड। आए बात समझें, तो वह एसिड जिसमें क्या हो, बिल्कुल ही बहुत कम कम या फिर बिल्कुल प्रेजेंट ही ना हो वाटर, उसी को आप बोलते हो कंसनट्रेटेड एसिड। द एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज कंसनट्रेटेड एसिड। एंड वाट इज डाइल्यूटेड एसिड, द एसिड विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूटेड एसिड। ओके, कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना होता है, तो हम वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड को ड्रॉप बाई ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड हम ऐड करते हैं। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर हमें कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, वाटर ले लेते हैं किसी एक वेसल्स में। ठीक है, एक बर्तन में क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं। अब उसके बाद फिर हम उसमें, यहाँ पे जो वेसल का मतलब है वह है कोई भी वीकर हो सकता है। ठीक है, अगर हम कोई वीकर ले लेते हैं और इस वीकर में क्या करते हैं, वाटर लेकर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, किसी ग्लास रॉड की हेल्प से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक, कभी भी वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हीट बाहर रिलीज होगी, बाहर इवॉल्व होगा, और जिसके वजह से वो डायरेक्ट क्या करता है, डैट विल स्प्लैश ऑन आवर माउथ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। एसिड्स हैव सावर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होता है, बट हमें उसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इंटू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, लिटमस पेपर को हमने बताया था कि जब एसिड्स को ब्लू एसिड्स में, किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में आप लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सोल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट। ठीक, साल्ट बनाता है हाइड्रोजन गैस। ये आपको पता है जिंक एक हमने मेटल लिया है, और ये H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट एक एसिड बनता है, और साथ में क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन
ब्रास एंड कॉपर वेसल, ठीक है, कॉपर या फिर ब्रास के वेसल्स में हमें क्यों एडवाइस दिया जाता है कि हम कर्ड या सावर सब्सटेंसेस को उसके अंदर न रखें? इसका आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगर आपको नहीं आता तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो साल्ट और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये Na2CO3 एक मेटल कार्बोनेट है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एसिड। व्हेन इट विल रिएक्ट विथ ईच अदर देन सोडियम क्लोराइड NaCl इज फॉर्म एंड CO2 एंड वाटर विल ऑल्सो बी फॉर्म। नेक्स्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यू नो NaHCO3, दिस इज नोन एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज नोन एज बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। व्हेन दिस बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ HCl देन NaCl एंड CO2 एंड वाटर इज फॉर्म। नेक्स्ट, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, जैसे को आप बोलते हो स्लैक लाइम, का रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं या CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ, तो आपको मिलता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर। अगर इसी कैल्शियम को पता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है मिल्की होता है, अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट में हम फिर एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस को पास करें तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यह क्या हो जाएगा, इसका जो वाइट कलर था वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, जो मिल्की कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। NaOH इज अ बेस एंड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन इट रिएक्ट विद ईच अदर देन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म विथ वाटर। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब भी मेटल ऑक्साइड मीन्स जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया कॉपर ऑक्साइड या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें मिलता है क्या, कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर क्लोराइड और साथ में क्या मिलेगा हमें, वाटर, यह एक आपका साल्ट है। नेक्स्ट, एसिड्स हैव कोरोजिव नेचर। एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोजिव नेचर संरक्षक प्रवृत्ति का होता है। इसका मतलब क्या है कि यह अगर एसिड आपके किसी कपड़े पे, किसी टेबल पे या किसी वुड पे गिर जाए तो ये उसको क्या कर सकती है, जला सकती है। डेट्स वाई एसिड्स हैव कोरोजिव नेचर। तो आज के इस वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में कुछ जानकारी ली। नेक्स्ट, अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।